लिखो, हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएशन कितना वेटेज है, 9 marks। लिखो पहले कंसेप्ट, फिर फॉर्मूला और फिर वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट पॉइंट लिखो, डेरिवेटिव इज, हाँ बोलो, ईएम बी वन नहीं, ईयर बी बैच नहीं, ईयर बी बैच, वाई सो लेट, किधर, हाँ चलो कल 7 बजे लेक्चर है मॉर्निंग में। लिखो डेरिवेटिव इज, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट राइटिंग, डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय डी बाय डी एक्स वेयर x is variable, where x is variable, ये पता है तुम लोग को, डेरीवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाई डी बाई डी एक्स, सब फॉर्मूला अपने डी बाई डी एक्स में लिखा था, याद है ना। हाँ, मैथेमेटिक्स में क्या होता है, अपने को बहुत सारा सम्स करने का है, इसके लिए एक वेरिएबल डिसाइडेड है और वो वेरिएबल क्या है, x है। लेकिन यही अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आता है ये, तो उधर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x ही होगा। वेरिएबल मीन्स दैट ऑलवेज चेंजेस, सपोज अगर t आया, t तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, d बाई डी टी, सपोज थीटा आया तो d बाई डी थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन मैथ्स में बहुत सारा सम्स है, अराउंड 400 सम्स है पहले ही चैप्टर में, तो एक ही वेरिएबल डिसाइड किया है और वो वेरिएबल क्या है, x, इसके लिए उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, d बाई डी एक्स, समझ में आया सबको। पॉइंट नंबर टू, अरे बाप रे ये क्या हो जाता है बीच बीच में। हाँ लिखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एक सम रहेगा तो डेरिवेटिव बोलने का, और जब एक से ज्यादा रहेगा तो जब एक साथ अपन सब डेरिवेटिव निकालोगे उसी, वो ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। मैट्रिसेस चैप्टर याद है ना, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ बोलते थे ना तुम लोग, क्या ए इज अ मैट्रिसेस ऑफ बोलते थे, नहीं मैट्रिक्स बोलते थे, एक रहेगा तो मैट्रिक्स, और एक से ज्यादा सम, एक से ज्यादा सम रहेगा तो चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिसेस। तो उसी तरह से एक सम रहेगा तो डेरिवेटिव लो, और एक से ज्यादा सम अगर करेंगे तो वो प्रोसेस है, और वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, दोनों एक ही है, लेकिन एक रहेगा तो डेरिवेटिव बोलते हैं और एक से ज्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तो चैप्टर अपना पॉइंट नंबर 3 लिखो, अभी पॉइंट नंबर 2 हो गया। आई थिंक मैंने ये जेई में लिखाया था, फंक्शंस लिख के दिया था ना, फंक्शन 5 फंक्शन होता है, लिख के दिया था मेरे ख्याल से, नहीं फॉर्मूला तो लिख के दिया ही था, वो अभी भी लिख के दे रहा हूँ, फंक्शंस नहीं लिख के दिया था, लिख के दिया था बोला वो बैच के स्टूडेंट, तो वो बैच और तुम लोग लिखो, हेडिंग लिखो फंक्शंस। फंक्शन बोल के चैप्टर था सेट रिलेशन एंड फंक्शन 11th स्टैंडर्ड, तो उसमें से सिर्फ फंक्शन वाला अपन पार्ट देखने वाले, थोड़ा बहुत ही कंसेप्ट है छोटा। लिखो देर आर फाइव फंक्शंस, ऐसा लिखो, और देखो मैं बोर्ड पे कैसा लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिखने का, ऐसा पहला वर्टिकल लिखने का, ये देखो, देर आर फाइव फंक्शन LIATE, ओके। फिर L मतलब कौन सा फंक्शन, L मतलब लॉगरिथमिक, FN मतलब फंक्शन, हाँ मेरा शॉर्ट फॉर्म है ये, तुम लोग भी लिख सकते हो,
L stands for logarithmic function. We are going to write two examples of that. log x ka whole square ... and so on. In this way you have to write. What is I? I was not there in the 11th standard. I is called, no, integration is the chapter. This we are studying function. I is very important hai ye. Inverse function nahi tha ye, 11th mein nahi tha, 12th mein bahut hai lekin. और इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल देखो, ऐसा होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन. साइन के ऊपर माइनस वन लिखने का, लेकिन बोलते टाइम में कैसा बोलने का उसको, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सो ऑन. ठीक है, साइन रेस टू माइनस वन ऐसा कभी नहीं बोलने का. ए तो फेमस है, बताओ. बराबर, अल्जीब्रिक फंक्शन. सो एनी बडी कैन टेल मी सम एग्जाम्पल्स. एक्स क्यूब, फोर एक्स स्क्वेर. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्जीब्रिक फंक्शन. वॉट इज टी? वेरी फेमस टी, यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैन यू टेल मी सम एग्जाम्पल? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सो ऑन. एंड द लास्ट वन ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. देखो क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दो ही होता है, एक ई रेस टू एक्स होता है और दूसरा ए रेस टू एक्स होता है. देखो समझाएगा, ये एकदम बेसिक है, ये लिखो पहले अच्छे से. हो गया लिख के, ये रब हो गया. देखो लिख के हो गया ना, लिखो नेक्स्ट फोर्थ. कंसीडर y इक्वल टू f ऑफ x. कंसीडर y इक्वल टू f ऑफ x. And one sentence you have to write, this you have written many times in 9.2. I hope you know how to read. Differentiating with respect to x. Okay. So y ka derivative hamesha dy by dx hota hai. Pata hai sabko ye. Aur f of x ka derivative f dash of x hota hai. Have you understood this? So dy by dx and f dash of x both are not different term. They are one and the same. When the question is given in terms of y, the answer you are supposed to write in terms of dy by dx. And when the question is written in terms of f of x, the answer should be there in terms of f dash of x. First principle of derivative 9.1 mein question f of x mein hota tha, iske liye uska answer f dash of x mein. ट्रैफिक मध्ये कसं का तिथे जाऊन उभी होती की काय? कुठून येते? अगं पण लवकर निघायचं ना, 10 वाजता निघायचं, 10:30 निघायचं. हा किती वाजता निघाली घरातून? मग असं चुकीचं टायमिंगला निघालं तर असंच येणार. हा आता 12 चालू आहे आपली. क्या बोल रहा था मैं? हाँ, 9.1 में सब क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स में होता था, इसके लिए अपन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स में लिखते थे. और 9.2 में अपन वाई अज्यूम करते थे, इसके लिए वाई का डेरिवेटिव अपन डी वाई बाई एक्स में लिखते थे. ठीक है ना, तो क्वेश्चन ऐसा लिखा तो आंसर ऐसा, क्वेश्चन ऐसा लिखा तो उसका आंसर ऐसा. ये लिखा है इतना. एक सेंटेंस लिखो आगे, वेर डीवाई बाई डी एक्स, वेर डीवाई बाई डी एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली. Derivatives of
y and f of x respectively. बस यही इतना ही कंसेप्ट है, अभी इसके बाद फॉर्मूला दूंगा मैं। तो देखो सब लोग को समझा क्या क्या किया, पहले मैंने चैप्टर का वेटेज दिया, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स विथ वेटेज, फिर क्या किया, डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय डी बाय डीएक्स, फिर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन पाँच होता है, वो पाँच का नाम विथ टू टू एग्जाम्पल्स, एंड देन अगर क्वेश्चन y में रहेगा तो उसका डेरिवेटिव dy by dx, और अगर क्वेश्चन f of x में रहेगा तो उसका आंसर f of x। समझ में आया सबको, पक्का समझ में आया? मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि तुम लोगों ने 11 किया ही नहीं, अगर किया है तो एडवांटेज ही है, वो तुम लोग को पता चलेगा क्या एडवांटेज है। एकदम बेसिक से चालू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी लिखो हेडिंग फॉर्मूले, तू ते किती पेज सोडायचं बघ, तुझं करून थोडं पेज सोडायचं। हेडिंग लिखो फॉर्म्युले, सो कितना फॉर्म्युला है मत पूछो, सब लिख कर रहा हूँ, सब याद भी हो जाएगा अभी का अभी। लिखो फॉर्म्युला नंबर वन, ये तुम लोगों ने इलेवेंथ में भी किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। मैं पहले सब मुझे फॉर्मूला लिखने दो, हाँ उसके बाद तुम लोगों को क्या नहीं समझा वो सब पूछो, पहले मैं सब लिख के देता हूँ। फॉर्मूला बहुत सारा है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव किसको याद है क्या, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन टू जीरो f of x plus h minus f of x whole divided by h। सबको आता है ये, 11 के लिए इम्पोर्टेंट है और जेई के लिए इम्पोर्टेंट, 12 के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है बोल के दिया है। याद है एल हॉस्पिटल रूल ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने, एल हॉस्पिटल रूल उसमें यूज़ किया था अपन। लिखो पहले लिखो अलजीब्रिक फंक्शन, ये देखो ऐसा लिखने का, ALG का मतलब समझता है ना, अलजीब्रिक फंक्शन लिखो हेडिंग। हाँ फॉर्मूला नंबर टू मेरे साथ लिखो, इसको क्या बोलते हैं कैसे पढ़ने का सबको पता है ना, d by dx बोलो या डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n nx रेस टू n माइनस वन लिखो, ये है सेकेंड फॉर्मूला। फिर एक एग्जांपल लिखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x² होता है, समझाए तुम लोग को? ये मैंने लिख के दिया था, जो लोगों ने जेई का लेक्चर अटेंड किया है उनको पता है, ये उसी का रिवीजन चालू है। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स एनीबडी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख के स्टार मार्क करो, जितना भी माइनस आता है उधर स्टार करने का, ये निकाल नहीं सकते क्या, ये निकाल सकते हैं ऐसा ऐसा हो बराबर। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, एनीबडी नोज 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, माइनस माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला कैसे बना है याद है क्या, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, एक्स का जो भी पावर होता है ना वो ऑपोजिट में लिखने का, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस में लिखने का, और डिनोमिनेटर में हमेशा प्लस क्या करने का, वन, वन प्लस वन क्या होता है, टू। अभी देखो इधर एक्स स्क्वायर है तो टू का ऑपोजिट नंबर क्या होता है, माइनस टू, अपॉन एक्स क्यूब कैसे आया, टू को प्लस वन किया तो थ्री आया, ऐसे याद रखने का। तो ये दो फॉर्मूला सम्स में बहुत आता है बोल के इसके लिए लिख के दिया। अगर मैं पूछता हूँ 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 क्या बोलोगे, माइनस 5 अपॉन एक्स रेस टू 6। अगर मैं पूछता हूँ 1 अपॉन एक्स रेस टू 9 माइनस 9 अपॉन एक्स रेस टू 10 आ गया, समझ में आ गया तुम लोग को, ऐसा वो फॉर्मूला बनाने का। लिखो जल्दी, 4 हो गया। हो गया ना फॉर्मूला नंबर 5। लिखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स
derivative of x is 1. Derivative of kx. Anybody can tell me what is k? क्या करते हैं कॉन्स्टेंट को? बाहर निकालते हैं. बराबर. k को बाहर निकालने का डेरीवेटिव ऑफ x लिखने का. लेकिन डेरीवेटिव ऑफ x ऊपर ही पता है 1 मल्टीप्लाइड बाई k k आएगा. देखो समझाया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 7, ये पता चलेगा तुम लोगों को सम्स में कैसे इंप्लीमेंट होता है ये. और आठवां फॉर्मूला, दैट इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन, ओनली k. ओनली k मतलब कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव हमेशा जीरो. आठ फॉर्मूला लिख के हो गया, और याद भी करो ये सब देने से फटाफट. नॉट अ सिंगल लेक्चर मिस किया ना, प्रॉब्लम हो जाएगा. एक भी लेक्चर मिस मत करो. अभी आज जो नहीं आया, सब आए क्या आज? हाँ, तो कल अगर वो आया गलती से या आई वो गलती से, उसका सिर्फ हाव भाव देखो, मजा आएगा दिखने को, कुछ नहीं समझेगा. यही प्रॉब्लम है मैक्स टू का. करूँ नेक्स्ट पेज? शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट पेज ऑल ऑफ यू? अल्जीब्रिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ऐसा हेडिंग लिखो. फॉर्मूला नंबर बताओ कौन सा, 9 है क्या? 9. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. माइनस है तो क्या होता है? स्टार मार्क करो. डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स माइनस गिनस नहीं होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है. जो फॉर्मूला सी से चालू होता है उसका आंसर माइनस. ऐसे मैंने ट्रिक बताया था, याद है क्या? हाँ. तो अभी 12 नंबर पे माइनस आएगा. डेरिवेटिव ऑफ कॉटेक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एंड मेक स्टार. डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, एसटी बोलने का, एसटी सेक एक्स इंटू टेन एक्स. और 14 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स लिख के स्टार मार्क करने का. याद हो गया सबको ये? एकदम इजी है, याद करवाया भी था मैंने 11th में. ईएक्सपी लिखने का शॉर्ट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. फॉर्मूला नंबर 15, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो होता है, लिख के दिया है मैंने फंक्शन में, लिख के दिया है. ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स ही होता है, लेकिन एक्चुअली ई रेस टू एक्स लॉगी होता है, लेकिन लॉगी का वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसके लिए ई रेस टू एक्स लिखने का. लिखते टाइम ऐसे ही लिखो, लेकिन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव किसी ने पूछा तो क्या बोलने का? ई रेस टू एक्स ही बोलने का, लॉगी मत बोलो. लॉग मैंने क्यों लिख के दिया वो तुम लोगों को फॉर्मूला नंबर 16 में समझेगा. डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स लॉग ए होता है, देखो है ना. तो ए रेस टू एक्स में लॉग आता है, तो ई रेस टू एक्स में लॉग नहीं आता है क्या? ऐसा डाउट आता है, इसके लिए मैंने लिख के दिया लॉग ए लॉग ई होता है, लॉग ए हमेशा 1 होता है. वो फिर भले मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लॉग ई का वैल्यू हमेशा 1. सो वन एग्जाम्पल यू कैन राइट हियर फॉर फॉर्मूला नंबर 16. एनीबडी कैन टेल मी 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव? 2 रेस टू एक्स लॉग 2. ऐसा लिख के ख़त्म करने का, लॉग 2 का वैल्यू गिलू डालने का नहीं इसमें. तो ये हो गया अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन. उसके बाद लिखो
बट वो कौन सा फंक्शन है ये? लॉगरिथमिक फंक्शन का एक ही फॉर्मूला है लेकिन बहुत भारी फॉर्मूला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स. तो 17 फॉर्मूला हो गया, 17 फॉर्मूलेस ओवर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. और फंक्शन भी 4 हो गया मेरे ख्याल से, एक ही फंक्शन बाकी है अभी, इनवर्स फंक्शन. ये मैंने ऐसा क्यों लिख के दिया, क्योंकि ये 11th में तुम लोग ने किया है, इसके लिए लिख के दिया. ये इनवर्स फंक्शन नहीं किया है 11th में, क्योंकि था ही नहीं, अभी करेंगे. दैट इज़ द नेक्स्ट फंक्शन. लिखो हेडिंग, लिखो. ये हो गया सबका? यस सर. लिखो जल्दी, इनवर्स फंक्शन लिखेंगे नेक्स्ट फंक्शन. इनवर्स फंक्शन हो गया. नेक्स्ट पेज. हाँ सबका हो गया, लिखिए हेडिंग, लिखो इनवर्स फंक्शन. फॉर्मूला नंबर बताओ, 18 है क्या? 18. ये देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिखने का. उसका डेरिवेटिव 1/√(1 − x²). ये कैसे आया इसका प्रूफ बताएगा मैं 1.2 जब ही चालू होगा तभी. फिलहाल 18 हो गया, देखो रे. इसका प्रूफ मैं बताएगा जब ही 1.2 चालू होगा. फिलहाल तुम लोगों को फॉर्मूले लिखने का है, लेकिन 18 को ऐसा टिक करो, जिसको 18 आया उसको 19 ऑटोमेटिकली आएगा. डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, मैंने क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला सी से चालू होता है उसका आंसर किस में होता है? माइनस. तो इधर भी वही है, ऊपर का ही फॉर्मूला वापस लिखने का, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ माइनस लिखने का. −1/√(1 − x²) लिख के स्टार मार्क करने का. तो जिसको 18 आया उसको 19 आया, फिर 20 को टिक करने का. तो क्वेश्चन कोई बताओ, टैन इनवर्स एक्स लिखने का, उसका फॉर्मूला है 1/√(1 + x²). ओके तो 21 यू 10 −1/√(1 + x²) एंड मेक स्टार मार्क. अंडरस्टूड है क्या? मतलब इवन नंबर अगर तुम लोग याद रखते हो तो ऑड नंबर वही इवन नंबर का निगेटिव में लिखने का, ऐसा वो ट्रिक है. अंडरस्टूड ना? तो जरा 22 का क्वेश्चन बोलो, आंसर मैं ही बोलने वाला हूँ. सेक इनवर्स एक्स होता है देखो, तो उसका आंसर है 1/√(x²−1). ये है मेरा फॉर्मूला नंबर 22. तो 23 तुम लोग को आना चाहिए खुद से लिखने को. 22 को ऐसा टिक करो. सो 23 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, सेम फॉर्मूला −1/√(x²−1) एंड मेक स्टार मार्क हियर. वैसे तो है 6 फॉर्मूला, लेकिन पढ़ना कितना है? 3 ही पढ़ने का है ना, क्योंकि नेक्स्ट 3 अल्टरनेट क्या होता है, वही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ माइनस. चलो चलो, ये 6 फॉर्मूला तुम लोग के लिए नया है, ये याद करो. दिस इज न्यू फॉर यू, ये नहीं था 11th में. सबको याद है एडिशन रूल? डू यू रिमेंबर एडिशन रूल? लिखो, इफ वाई इक्वल, ये था 11th में था वापस. इफ वाई इक्वल टू यू प्लस वी, याद है क्या सबको? यस. देन डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी, इसको बॉक्स करने का, ये फॉर्मूला है. ये हो गया u प्लस वी का फॉर्मूला, पता है ना सबको? ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए. एडिशन के बाद क्या आता है? सब्ट्रैक्शन आता है. सो dy / dx इक्वल टू
डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स बॉक्स ट्वेंटी फाइव हो गया। प्रोडक्ट रूल इज द नेम ऑफ द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। करो ना नेक्स्ट पे लिखो, हेडिंग लिखो, नंबर बताओ जरा मुझे। 26 नंबर प्रोडक्ट रूल। इफ वाई इक्वल टू यू इंटू वी देन dy by dx is u dv by dx plus v du by dx. I hope understood है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये, तो सब लोग याद करेंगे ये फॉर्मूला। अप्लाई करने को नहीं आता है नो प्रॉब्लम, दैट आई विल टीच, बट यू शुड नो द फॉर्मूले एटलीस्ट। 26 का नाम है 27 कोशंट रूल, डिवीजन को कोशंट रूल बोलते। इफ वाई इक्वल टू यू बाई वी, ये भी इंपॉर्टेंट है, dy बाई डी एक्स वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला। दोनों याद करो अच्छे से, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ याद आ रहा है 11th में मिस हुआ है? UVW, हाँ बराबर वही है। नेक्स्ट 28 नंबर है वो। इफ वाई इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, सबको याद है ना, कौन सा भी दो को साथ में लेने का, तीसरे का डेरिवेटिव लेने का, और ये इनटू है मतलब प्रोडक्ट है, मतलब बीच में प्लस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स। देखो राइट लिखा है क्या, ये है अपना यू वी डब्ल्यू का फॉर्मूला, बहुत रेयरली आता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट द फॉर्मूला इज देयर। तो 28 इज ओवर, बस और तीन ही है। दो आर द थियरम्स, लिखो 29 को ऐसा टिक करके थियरम लिखो। हाँ थियरम वी आर टेकिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, हाँ सब थियरम साथ में लेगा मैं, क्या हो रहा है ये। 29 थियरम लिखो, हेडिंग लिखो, नाम है यही, आज पहला टाइप अपना यही है, कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल भी बोलते हैं उसको। ये नाम है थ्योरम का और फॉर्मूला है dy by dx dy by du into du by dx। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, किधर भी यूज होता नहीं है, लेकिन थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरम के लिए अपने को ये करना है और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, दिया रहेगा ये, लेकिन थ्योरम इंपॉर्टेंट है। 29 हो गया, बस और दो ही है। ये देखो एक घंटा लगभग इसी में जाता है। बोलो क्या है, डाउट है? ये स्लैश है, स्लैश क्या पूछ रही है?
हो गया. नेक्स्ट पेज फॉर्मूला नंबर 30. फॉर्मूला नंबर 30 अगेन दिस इज अ थ्योरम ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड द फॉर्मूला इज dy upon dx is 1 upon dx by dy. Where dx upon dy is not equal to 0. I hope तुम लोगों को समझा है वो क्यों 0 नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 रहेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, और डेरिवेटिव कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है. इसके लिए ऐसा कंडीशन डाला हुआ है उधर. और 31 ये इस साल भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था. लास्ट ईयर मतलब 2020-2022 बैक टू बैक ईयर्स ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा था. पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम है ये, और फॉर्मूला फिजिक्स में भी आता है, ये फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. dy by dt upon dx by dt. So this is what the formula. Or what is t? T is parameter. Physics में एक chapter है oscillation. I think max physics 1. उसमें ये आता है. Okay? So 31 formulae हो गया लिख के. अभी तुम लोग मुझे पूछ सकते हो जो पूछना है. टाइप वन सब लोग ध्यान से सुनो, सिर्फ स्टार्टिंग का मेरे साथ लिखो. क्वेश्चन ऐसा लिख के आएगा एग्जाम में, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और फाइंड डीवाई बाई डी एक्स. ये दोनों में से कौन सा तो एक लिख के आएगा एग्जाम में. तो समझ जाने का कि वो डेरिवेटिव का सम है. तो लास्ट बेंच ध्यान से सुन मैं क्या बोलता है, अब भी समझने जैसा अभी पढ़ा रहा है मैं. याद है ना मैंने 9.2 में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, उधर तो दिया नहीं है. हर एक सम यू हैव टू स्टार्ट बाय राइटिंग लेट वाई इक्वल टू. ठीक है, पहले वाले बैच में जितना मैंने टिक किया है ना ये सब सम्स हो गया है. तो अपना भी टाइम स्टार्ट होता है बराबर 2 घंटा है. होता है क्या देखते हैं कि 2 घंटा ही है, कितना है 1.5 घंटा है. देखते हैं, बताओ पहला सम बताओ. वाई इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ना यही है ना. नो बडी विल राइट, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. अच्छा रुको, टाइप वन मैंने बोला ही नहीं शायद. टाइप वन लिखो, हेडिंग लिखो टाइप वन सम्स बेस्ड ऑन, सम्स बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल. ये मैंने लिख के दिया ना फॉर्मूला नंबर कौन सा 29 में लिख रहे, सम्स बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल. ये टाइप का नाम है. कंपोज 29 में लिख के दिया है, देखो फॉर्मूला नंबर 29 में कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल एक ही बात है, दोनों एक ही है. हाँ जरा ध्यान दो सब लोग, बिल्कुल लिखने का नहीं. देखो इधर ये सम में मुझे कोई तो बताएगा क्या कितना फंक्शन है. दो तीन एक तीन कौन बोल रहा है, तीन कौन बोल रहा है, अब तीन कौन बोल रहा है तो यार चुपचाप हो जाता है. हाँ कौन सा है जरा बता सकते हो. मस्त जो किया. देखो देखो देखो, हाँ बैठो. तीन नहीं है, दो है. कैसे मैं बताता हूँ, बाहर का फंक्शन कॉस में दिख रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री. और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब अलजीब्रिक फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन. इसके लिए नाम क्या लिखा है अपन ने, चेन रूल. चेन है ना, चेन है ना ये, एक के अंदर एक. तो क्या करने का,
जो अंदर वाला फंक्शन है उसको क्या करने का, पेंसिल से करने का, पेंसिल से इसको बॉक्स बना के क्या जूम करने का, एक्स। तो एक सेंटेंस लिखने का, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने का। दिख रहा है कॉस एक्स दिख रहा है सबको? वाई का डेरिवेटिव सबको पता है, डी वाई बाई डी एक्स, बराबर है ना? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, लिखा है ना तुम लोगों ने? तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ऐसा नहीं लिखने का, एक्स का वैल्यू लिखने का। तो क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समझा क्या? बोलो। मैंने किसका डेरिवेटिव निकाला? मैंने ट्रिगो का डेरिवेटिव निकाला। ट्रिगो के अंदर जो अलजीब्रिक है उसका डेरिवेटिव निकाला क्या? नहीं। टेकिंग द इंटरनल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। ये मैं वर्ड बार बार यूज करूंगा सब सब में। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखने का? जो एक स्टेप पहले तुम लोग बॉक्स बनाते हो ना, वही इधर वापस लिखने का। देखो समझा है क्या? कहने का मतलब क्या है, पहले मैं ट्रिगो का डेरिवेटिव निकालेगा, ट्रिगो का डेरिवेटिव निकालने के बाद ट्रिगो के अंदर जो अलजीब्रिक है उसका डेरिवेटिव निकालेगा। इसके लिए इसका नाम रखा है चेन रूल। ओके, तो इसका क्या आंसर आएगा बताओ? ये तो ऐसा ही रहेगा, इसका तो डेरिवेटिव निकल के हो गया। अभी ये u प्लस वी है, देखो u प्लस वी है ना, तो वो सब ऐसे स्टेप्स नहीं लिखने का, माइंड में करने का। ये एक्स स्क्वायर मतलब फॉर्मूला नंबर टू, एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स, टू एक्स, और ए स्क्वायर मतलब कॉन्स्टेंट, जिसके साथ एक्स नहीं होता है वो कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। देखो समझा है कि नहीं? सो टू एक्स प्लस जीरो, टू एक्स होता है वो, टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन माइनस टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज द राइट आंसर। बोलो समझा है कि नहीं समझा? चालू करो, ये हो गया फर्स्ट सम। अभी सेकेंड सम भी मैं ही करने वाला हूँ, रुको जरा मत, ट्राई करो, मैं करता हूँ सेकेंड सम। शुड आई गो फॉर नेक्स्ट पेज? बताओ क्वेश्चन, बताओ। y इक्वल टू सेकेंड सम में ये बड़ा रूट है ना, बड़ा रूट है, बताओ e रेस टू, बोलो थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव है, देखो बराबर है। कितना फंक्शन है? दो फंक्शन है, दो फंक्शन ना, दो फंक्शन, लेकिन फंक्शन के ऊपर रूट दिखाई दे रहा है मुझे, है ना? तो क्या करने का, वो रूट को छोड़ के जो दिखाई दे रहा है ना उसको अज्यूम करने का एक्स, पहले रूट का डेरिवेटिव निकालने का। तो ये अपना फॉर्मूला नंबर फाइव, रूट एक्स लिख के दिया है देखो मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स, एनीबडी कैन डिक्टेट मी, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन टू रूट, हाँ पूरा वही लिखने का, ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव। देखो समझाए कि नहीं? इंटरनल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव। बोलो समझा है कि नहीं? बस यही समझ में आना चाहिए, हाँ या ना? क्या लास्ट बेंच कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अभी देखो इसका डेरिवेटिव निकाल के हो गया, ये कुछ नहीं करना है, ये लास्ट तक ऐसे लिख के जाने का। अभी इधर u प्लस वी करने का है, तो u में इसको क्या अज्यूम करने का? x अज्यूम करने का। ओके, और फाइव तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, उसका तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, मतलब u प्लस वी में v का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये एज इट इज यू हैव टू राइट, हाँ जरा डिक्टेट करो मुझे, ये ऐसे का ऐसे लिखा। ये अपना फॉर्मूला नंबर 15 हो गया, देखो ई रेस टू एक्स, क्या बोला था मैंने? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू एक्स ही होता है, मतलब ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू ही लिखने का, उसका इंटरनल डेरिवेटिव थ्री एक्स प्लस टू लिखने का। अरे बाबा, एक्सपोनेंशियल के अंदर अलजीब्रिक है,
तो पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकाला और एक्सपोनेंशियल के अंदर जो एलजीब्रिक है वो उसका इंटरनल डेरिवेटिव निकालने वाला है। जो मैंने फर्स्ट सम में किया वही किया है, सिर्फ दिख रहा है अलग, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर था, इसके लिए आमने सामने। ये एक्सपोनेंशियल मतलब सर पे होता है ना ये, और फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। लिखना लिखा है तो लिखो, चलो लिख देता हूँ अभी, देखो समझाएगा ये तो, जरा डिक्टेट करो। वन अपॉन टू रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव, ये तो ऐसा ही रखो। इधर u प्लस v करने का, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है देखो, और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 3 प्लस 0 3 प्लस 0 3 होता है, जो कि लिखा हुआ है। हाँ तो मैंने 3 लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, तुम लोग 0 बोले तो मैं लिखने वाला नहीं है, 3 लिखा है। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका आंसर 3e रेस टू 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 आंसर राइट। बोलो समझा है कि नहीं, हाँ क्या गया ऊपर से, लिखो अभी, लिखो अभी समझ के लिखो। हाँ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स लिख ल, मग जे बॉक्स केलं आहे ना तेच लिहिलं पुढे, मग हे जसं आहे तसंच लिहिलं, हा यू प्लस वी केला मी। अगं ई रेस टू एक्सचा डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, डी बाय डी एक्स जे बॉक्स केलं तेच लिहिलं, आणि फाईव्हचा डेरिवेटिव झिरो, हे जसं आहे तसं लिहिलं, हे जसं आहे तसं लिहिलं, 3x प्लस 2चा डेरिवेटिव 3, मग हे 3ला ह्याच्यासोबत मल्टिप्लाय केलं, हे ह्याच्यासोबत मल्टिप्लाय केलं तर तेच आहे ना, डिनॉमिनेटर जे आहे तेच लिहिलं। किती सोपं आहे, करू क्या नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज करू, ली ली लोकर ली लिहून घे लोकर, थोडं फास्ट लिहायला शिका तू, तुझं स्लो आहे। आ गया, इतना जल्दी आने वाला नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है वो, 72 फॉर्मूला भी यूज करने का है, फिर भी पूछो मुझे किधर। एक्स अज्यूम करो बोलता है मैं, यार तुम लोग एक्स लिखता है, एक्स का वैल्यू क्या होता है वो नहीं लिखता है। हाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया, थोड़ा एकदम, मैं करने वाला हूँ, कोई बात नहीं, ट्राई किया वही बड़ी बात है। करूँ मैं नेक्स्ट पेज, ये सब लोग थर्ड सम ध्यान दो, अभी हो गया टाइम अप। y इक्वल टू log ऑफ tan x बाई टू है ना, यही है ना क्वेश्चन, इधर ध्यान दो सब लोग, सब लोग ध्यान दो इधर, log को छोड़ के जो दिखाई दे रहा है उसको x अज्यूम करने का, तो log x जैसा दिख रहा है ये फॉर्मूला नंबर 17 के हिसाब से 1 अपॉन tan x बाई टू लिख के d बाई डी एक्स ऑफ tan x बाई टू लिखने का और x बाई टू को अज्यूम करने का x, ठीक है। ये 1 बाई tan x बाई टू अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री कॉट एक्स बाई टू होता है कि नहीं होता है, ये सब फॉर नहीं होता है, 1 बाई tan थीटा cot थीटा वो सब यूज करने का अभी, और ये tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है, तो आपने यही गलती किया, sec square x होता है, sec square x बाई टू लिखने का d बाई डी एक्स एक्स बाई टू, तू भूल गया रे, देख समझाएगा, समझाइए। हाँ अभी देखो, अभी देखो, रुको अभी, अभी करो ही मत, अभी मुझे करने दो। ये cot x बाई टू है, मतलब ये cot थीटा है, cot थीटा cos बाई साइन, तो जरा मुझे बताओ, cos x बाई टू अपॉन साइन x बाई टू, sec स्क्वायर x बाई टू है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई टू, यस और नो, बराबर है। सुनो, x बाई टू का डेरिवेटिव सुनो कैसा निकालने का, x बाई टू में कुछ कांस्टेंट है क्या, 1 अपॉन टू, तो 1 अपॉन टू
बाहर बाहर के, जैसा केएक्स में के बाहर निकलते थे वैसा, सो वन अपॉन टू बाहर आया और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन हाफ इंटू वन, इसके लिए इंटू हाफ लिखा। बोलो समझाएगी नहीं? समझा वन बाई टू कैसे लिखा? एक कॉस कैंसिल होता है क्या? होता है ना। तो जरा डिक्टेट करो ये कैसा बनेगा, वन अपॉन टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। देखो समझाया क्या, ये फॉर्मूला नंबर 42 है ये जो मैंने लिख के दिया था। हाँ ये देखो याद आता है कि ये सिंस बोल के लिखता हूँ मैं, एक फॉर्मूला है साइन टू ए बोल के, टू साइन ए कॉस ए, ये सब फॉर्मूला तुम लोग को अभी याद आना चाहिए। ऐसा एक फॉर्मूला है पता है, देखा है क्या? नए लोगों से पूछ रहा है मैं। अरे अरे क्या हो रहा है ये देखो, ये टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए लिखेंगे अपन ना। ये देखो टू साइन ए कॉस ए का मैं वन अपॉन साइन टू इंटू एक्स बाई टू, यस और नो? ये टू और ये टू क्या हो जाएगा, कैंसल। वन बाय साइन एक्स लिख रहा है क्या सबको? वन बाय साइन एक्स, पीछे राइट है क्या? देखो मेरा राइट है आंसर, कोसेक एक्स ही आंसर है। बोलो समझाए कि नहीं? हाँ नहीं समझा ना, हाँ रहने दो। सुनो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ये, और एक बार सुनो क्या होता है ये। हाँ ये देखो, ये लॉग के अंदर जो है ना एक्स अज़ूम किया, फॉर्मूला नंबर 17, वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है ना, तो ये वन अपॉन एक्स किया, डी बाई डी एक्स टेन एक्स बाई टू, जो बॉक्स करते हो वही लिखते हो, फर्स्ट और सेकंड सब में वही किया है। हाँ फिर ये वन बाई टेन को कॉट लिखा मैंने ट्रिग्नोमेट्री, तो ये टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर हो गया और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू हो गया। कॉट को कॉस बाई साइन किया, सेक्स स्क्वायर को वन बाई कॉस स्क्वायर किया और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव हाफ किया। एक्स बाई टू का डेरिवेटिव हाफ कैसे आया नहीं समझा क्या? एक्स बाई टू का डेरिवेटिव हाफ कैसे आया नहीं समझा क्या? सुनो एक्स बाई टू में कुछ कांस्टेंट है क्या जो आप बाहर निकाल सकते हो? वन अपॉन टू, उसको बाहर निकालो। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? वन इंटू हाफ कितना होता है? इसके लिए हाफ लिखा। और अभी एक कॉस कैंसिल होता है देखो इधर, इसके लिए टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हो गया, तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपने को टू साइन ए कॉस ए जैसा दिख रहा है, जिसका आंसर साइन टू ए होता है, इसके लिए साइन टू ए टू टू कैंसल, वन बाय साइन एक्स कॉस ए के आया ना। फोर्थ सम बहुत अच्छा समय करके बताओ, देखते कितना सम को आएगा ये। और ये सम राइट है, आ गया फोर्थ, आ गया इसको फोर्थ आ गया, एक को आ गया फोर्थ। बोलो ना, ये ले तेरा भी राइट है। करूँ क्या मैं करता हूँ पांचवा, पांचवा नहीं आएगा तुम लोगों को, पता चल गया मेरे को। राइट भी है रॉन्ग भी है दोनों है। मैं करता हूँ अभी रुको, ए जरा ध्यान दे रहे पांचवा, ए पांचवा जरा कोई तो क्वेश्चन बता दे। कॉट क्यूब ना रे बोल।
लॉग एक्स क्यूब। ये देखो यही सब में क्या देखो, यही है ना, ध्यान दो जरा, बिल्कुल नहीं करने का। ये एक्स किसको अज्यूम करने का, ये अगर नहीं समझ में आया ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये देखो ये थ्री को छोड़ के एक्स अज्यूम करने का, हाँ पहला स्टेप ही सबका रॉन्ग हो गया है। ये समझा, पूछ सकते हो ये ऐसा क्यों किया, एक्स क्यूब का फॉर्मूला बनता है ना ये। मुझे बताओ अगर ये थ्री नहीं होता, सपोज ये थ्री नहीं होता तो फिर लॉग एक्स क्यूब को एक्स अज्यूम करने का, मुझे बताओ एक्स क्यूब और एक्स का क्यूब ये दोनों सेम है कि नहीं, क्या दोनों अलग दिखता है, सेम ही है दोनों। हाँ तो अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा और इजी करता हूं, कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब का होल क्यूब भी लिख सकता हूं मैं, ऐसा भी लिख सकता हूं। ऐसा अच्छा है कि ऐसा अच्छा है, ऊपर वाला, अभी नीचे वाला भी लिखा है, जिसको ऊपर वाला लिखना ऊपर वाला लिखे, जिसको नीचे वाला लिखना नीचे लिखे, दोनों में एक्स क्यूब ही दिखाई देता है, बराबर है ना। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है ना, तो उसका डेरिवेटिव जरा देखो ध्यान से, 3 cot² log ऑफ एक्स क्यूब d/dx ऑफ cot ऑफ log एक्स क्यूब, बोलो समझा है कि नहीं। बस यही पहला स्टेप ही रॉन्ग किया है तुम लोगों ने, इसके लिए आगे का दिखने का सवाल ही नहीं आता है। अभी तुम लोग को आएगा, अभी कॉट के अंदर जो फंक्शन है उसको अज्यूम करने का एक्स, तो जरा डिक्टेट करो 3 cot² log ऑफ एक्स क्यूब, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब d/dx ऑफ log एक्स क्यूब, बोलो समझा के नहीं। अभी ये माइनस है ना, माइनस ये माइनस एकदम पीछे लेके आने का, माइनस 3 cot² log एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब। अभी देखो इधर ये रूल पता है क्या, देखो log एक्स रेस टू n इज हमेशा n log x, डू यू नो दिस रूल, तो log एक्स क्यूब को मैं 3 log x ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन 3 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल के d/dx ऑफ log x ऐसे लिखू, क्या बोलू। इसके सामने ये फॉर्मूला लिखो, ये रूल यूज किया उधर लॉग का, ठीक है ना। अभी ये 3 ये -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 × 3 -9 डिक्टेट करो, -9² log ऑफ एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब d/dx ऑफ log 1/x होता है ना, तो होल डिवाइडेड बाय एक्स, आंसर पीछे राइट है क्या, यही है, क्या बोलते हो, है हार्ड है ना, ले रहे d/dx ऑफ cos x ले रहे आगे, बॉक्स करना नहीं समझता है तो, देखो इंटरनल डेरिवेटिव कब तक लेने का ये समझ में नहीं आ रहा है तेरे को। करो 7 रॉन्ग, बोलो क्या है, कोसेक मत करो क्या, फिर अभी रॉन्ग किया तो क्या ऐसे बैठू, यही है ना क्वेश्चन,
कोसेक एक्स का माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स। आओ ये समझा क्या, बोलो लिखा है क्या ये सब लोगों ने? आ रहा है मतलब थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। तो इसका माइनस कोसेक रूट कोसेक कॉट ऑफ रूट कोसेक वन अपॉन टू रूट कोसेक डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक। सो माइनस कोसेक रूट कोसेक्स कॉट ऑफ रूट कोसेक्स इंटू वन अपॉन टू रूट कोसेक्स कोसेक्स का माइनस साइन एक्स। देखो समझाए के ए तू ये नहीं किया था, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है देख रहे। तो कोसेक रूट कोसेक्स कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय टू रूट कॉस एक्स। आंसर राइट। किसको आया मेरे से पहले? वेरी गुड। D by dx लिखने का हीरो, ये y कब से लिखने लगा? ऐसा कब पढ़ा है मैं? ये देख y हटा ये। हाँ करना सब आएगा तेरे को अभी। 11 हाँ 11 कर, इजी है। कौन सा करना है मुझे? रॉन्ग ए बता इसको क्या रॉन्ग है। नहीं नहीं उसको बता, अरे बताना उसको क्या रॉन्ग की है। ये टू कॉस स्क्वायर कैसा है बता उसको। कौन सा करूँ मैं? टेंथ। क्या है क्वेश्चन? कॉस स्क्वायर वाला बोलो। कॉस स्क्वायर यही है ना? बोलो उसको समझा। ये लो एकदम अच्छे से किया है बोर्ड पे। कितना तुमको समझ में आ रहा है देखो ये। Thank you.
ये लो, हो गया मेरा सम। पूछो गया नहीं समझा। फोर्टी टू नंबर साइन टू ए टू साइन कॉस ए नहीं पीछे ही लेने का हाँ ये करेगा मैं सकती इसमें भी एक लॉग ऑफ लॉ है इसके लिए मत करो बोला मैं 18 18 कर देता हूँ मैं 18 देखो ये 18 बोलो वाई बोल ए जरा ध्यान दो इधर ये ध्यान दो ये कितना इजी समय देखो दिखता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत इजी है ए दिखना इधर ये देखो एक फॉर्मूला लिख के दिया है हमें कॉस टू ए कॉस स्क्वेर ए माइनस साइन स्क्वेर ए कभी देखा तो है क्या ग्यारह ग्यारहवें में ये देखा है ना तो ये फॉर्मूला इसको मैं उल्टा लिखेगा उल्टा तो माइनस साइन बाहर आएगा कॉस स्क्वेर एक्स स्क्वेर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वेर बोलो समझा कि नहीं माइनस आएगा भाई प्लस कैसे होगा अगर नहीं समझ में आया तो ये माइनस को अंदर ले लो ऊपर का स्टेप आ जाएगा देख लो ये समझा तो ये तुम लोग का ए है ए दिस इज ए दिस बोथ आर ए दिख रहा है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए व्हाट इज द फॉर्मूला कॉस टू ए तो टेल मी माइनस कॉस टू एक्स स्क्वायर यस और नो दिस यू हैव टू अज्यूम एज एक्स सो योर डेरिवेटिव स्टार्ट्स टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉस इटसेल्फ इज माइनस ना तो पीछे एक माइनस है माइनस ऑफ माइनस प्लस डायरेक्ट लिखेगा मैं साइन ऑफ टू ऑफ एक्स स्क्वेर डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वेर यस और नो ये क्या होगा साइन ऑफ टू ऑफ एक्स स्क्वेर टू बाहर लेने का एक्स स्क्वेर का डेरिवेटिव टू एक्स टू इंटू टू एक्स फोर एक्स तो फोर एक्स साइन ऑफ टू ऑफ एक्स स्क्वेर आंसर राइट है क्या देखो ये है क्या देखो पीछे समझा लिखो सिक्सटीन ना सिक्सटीन भी इजी है करूँ क्या सिक्सटीन लिखो सिक्सटीन लिखो ये देखो करूँ ना नेक्स्ट पेज बोलो रे बोलो क्या है वाई इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस टू ई स्क्वायर ऐसा ही है क्या देखो यही है ना हाँ देखो जरा इधर सब लोग ध्यान दो इधर पहले लॉग ए बेस टू बी लॉग ए अपॉन लॉग बी होता है देखा है क्या कभी फॉर्मूला ये नहीं देखा है अरे बाप रे इलेवेंथ में ही था ये फंक्शन हाँ हाँ ठीक है अभी तो दिख गया इसके लिए बोला मत करो बोल के लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ई स्क्वायर यस और नो तो लॉग ऑफ लॉग एक्स टू लॉग ई लिखू क्या इसको लेकिन लॉग ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है तो लॉग ऑफ लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय टू ये अपना क्वेश्चन ही है रे देख रहे कैसा लिखा मैंने वाई 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 तू लिखता ही नहीं तो ऐसा ही चला जाता है हाँ ऐसा लिखने का ऐसा हैबिट बनाने का पहले से ही हाँ तुम लोग बोलेगा मैं बाद में करेगा वो करेगा कुछ नहीं होता है बाद में स्टार्टिंग से ही
फर्स्ट डे से ही अच्छे से करने का। अभी इसका डेरिवेटिव कोई तो बताए, डी वाई बाई डी एक्स, कोई तो बताए मुझे, कुछ कॉन्स्टेंट है क्या जो बाहर निकलेगा? वेरी गुड, वन अपॉन टू पहले बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसको अजूम करने का एक्स, देखो अंडर सुड गया, तो ये आएगा वन बाई टू वन बाय लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सो वन बाई टू वन बाय लॉग एक्स वन बाय एक्स, सो फाइनल आंसर वन अपॉन टू एक्स लॉग एक्स, आंसर राइट। जरा क्वेश्चन डिक्टेट करो, y इक्वल टू e रेज टू log बराबर ना, ब्रैकेट है ना, हाँ log log x the whole square minus log x square, बराबर लिखा है, ऊपर ही, ऊपर ही है, सब सब ऊपर ही है, ऊपर ही है ना। हाँ एक काम करो, वो जो फॉर्मूला लिखा है उधर जगह है ना तुम लोग का, एक इम्पॉर्टेंट नोट बोल के लिख के लो, क्योंकि ये बहुत बार आता है इम्पॉर्टेंट नोट, ये मैं बार बार लिख के नहीं देगा मैंने, इवन इंटीग्रेशन में भी बहुत आता है ये, e रेस टू log x बेस टू e, x होता है पता है क्या तुम लोग को, ये भी हो गया 11th में हो गया ये, और a रेस टू log x बेस टू a का भी आंसर x ही होता है, ये दोनों लिख के लो, ये मैं बार बार नहीं बताएगा, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, ये लॉस ऑफ लॉग है, ये लॉस ऑफ लॉग लॉगरिथम, तो ये कंसेप्ट इधर अप्लाई करने वाला हूँ मैं, तो लॉग को छोड़ के जो दिखाई दे रहा है ना इधर, इसको अज्यूम करने का एक्स, तो अभी ई रेस टू लॉग एक्स जैसा दिखाई दे रहा है क्या बोलो, अभी बेस में कुछ भी अगर नहीं रहेगा ना तो ई होता है, ये अज्यूम करो तुम लोग, तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर होता है, ये समझा क्या, देखो अगर ये log का लॉ पता नहीं है, बहुत हॉरिबल होता है, तू जो ट्राई कर रहा था अभी, ये u माइनस v करने का, u माइनस v समझते हैं ना, u माइनस v, तो जरा डिक्टेट तुम लोग ही डिक्टेट करो, तुम लोग को आता है अभी ये dy बाई डी एक्स, टू log x d by dx of log x, yes or no, क्या गया ऊपर से है? अरे टू को चढ़ के बॉक्स बनाओ, x अजूम करो, x स्क्वायर का 2x d by dx of log x, और ये क्या किया पता है क्या, ये वो n log x वाला n log x, तो टू बाहर लेके डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, समझा क्या बोल रहे, बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ, टू लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स माइनस टू इंटू वन बाय एक्स, तो फाइनल आंसर क्या, फोर, फोर को कुछ नहीं, ये भी आंसर राइट है, या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 log x माइनस टू अपॉन एक्स, ये भी राइट है, देखो पीछे क्या दिया है, देख ले, यही कुछ तो दिया है, खत्म हो गया, दिखता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन कितना ईजी है देखो उसमें।